श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी, अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है, ये डंडी का जो मुख होता है उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव के, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की, डंडी का मुख पीछे की, पत्ती का मुख आपकी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये दो बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बहरा इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से, 5 बार जल यहां पर और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर, ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है।
बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सामने। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी समर्पण करा। शिव कथा कह रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है, और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।